ग्रह कलेश के चलते विवाहिता ने विषाक्त खा कर दी जान। पीहर पक्ष ने लगाया जहर देकर हत्या करने का आरोप। भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना इलाके के गांव बमनपुरा कैर में संदिग्ध परिस्थितियों में 38 साल की विवाहिता राधा पत्नी प्रेमचंद शर्मा की मौत हो गई। कंट्रोल रूम की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसे घर के एक कमरे में बेड पर विवाहिता मृत हालत में पड़ी मिली। घटना के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग घर से फरार हो गए हैं। सदर थाना पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी में रखवाया है। सूचना पर पीहर पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने बेटी के ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। अस्पताल में ग्रामीणों की भी काफी भीड़ जमा हो गई है। एक बार तो हंगामे जैसी स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस ने समय रहते काबू पा लिया। इस दौरान डिप्टी एसपी अमर सिंह मीणा भी अस्पताल पहुंच गए। सदर थाना के एएसआई प्रमेश कुमार ने बताया कि रूपवास के गांव बोकोली निवासी राधा की शादी 18 साल पहले बयाना के गांव बमनपुरा कैर निवासी प्रेमचंद शर्मा के साथ हुई थी। प्रथम दृश्य पति पत्नी में ग्रह कलेश के चलते विवाहिता द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन करने के बाद सामने आई है। ससुराल वाले घर से फरार हो गए हैं। पीहर पक्ष की मौजूदगी में पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्यवाही की जाएगी। फर्स्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हमें कंट्रोल से सूचना मिली कि एक लेडीज ने जहर खा के मर गई है। इस पर हम ग्राम बमनपुरा पहुंचे, जहां मृतका राधा वाइफ प्रेमचंद ब्राह्मण ये उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी, जिस पर मौके पर हमने एसएसएल टीम बुलाई, उसकी डेड बॉडी लेके यहां अपने मोर्चरी में रखवाया, उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है। रिपोर्ट दे रहे हैं परिजन।